वन रैंक वन पेंशन के दूसरे भाग में विसंगतियों को लेकर पूर्व सैनिकों में भारी रोष है और इस मुद्दे को लेकर पूर्व सैनिकों ने आज प्रदेश के जिला मुख्यालयों में रोष प्रदर्शन किया। पूर्व सैनिकों ने जिला उपायुक्तों के माध्यम से अपनी मांग को लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी भेजे। नाहन में मीडिया से बातचीत में यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन की सिरमौर इकाई के उपाध्यक्ष जगमोहन सिंह ने बताया कि वन रैंक वन पेंशन के दूसरे भाग में कई विसंगतियां हैं जिन्हें दूर करने की पूर्व सैनिक मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने करीब 23,700 करोड़ का पैकेज पूर्व सैनिकों को दिया है, लेकिन इसका लाभ केवल सेना के सेवानिवृत्त उच्च अधिकारियों को ही मिल रहा है। हम मोदी जी के बहुत धन्यवादी हैं, उन्होंने हमारे को 23,700 करोड़ का पैकेज दिया है, लेकिन उसका पूरा का पूरा बेनिफिट हमारी ऊपर की लॉबी को गया है, अफसर साहबान को, और नीचे वाले रैंकों को कुछ नहीं मिला है। तो हम अभी आज डीसी साहब के माध्यम से अपना मेमोरेंडम दे रहे हैं ताकि ये आगे जाके राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और डिफेंस मिनिस्टर महोदय को दिया जाए। जो भी ये विसंगतियाँ हुई है, क्यों हुई है, किसकी वजह से हुई है, इसका रिव्यू होना चाहिए। और जिनको ऑथराइज नहीं था उनको पूरा पर्क मिल गया, लेकिन जिनको ऑथराइज था उनको कुछ नहीं मिला। यही हमारी मांग है, इसी को मांग से आज ये हमारा फ्रंट जो है इंडिया लेवल का फ्रंट है। आज पूरे इंडिया के डिस्ट्रिक्ट में सभी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के जितने भी यूनाइटेड फ्रंट हैं अपने वाइस चेयरमैन के माध्यम से ये मेमोरेंडम हैंडओवर कर रहे हैं। प्रदेश के अन्य जिला मुख्यालयों में भी प्रदर्शन के बाद पूर्व सैनिकों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजे हैं। पूर्व सैनिकों का कहना है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में उनका प्रदर्शन जारी रहेगा।